करते हैं, देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी में एक परीक्षा केंद्र ऐसा भी जहां स्टूडेंट है एक और स्टाफ 10। उत्तर प्रदेश, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है और ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। परीक्षा केंद्रों में भीड़ को देखते हुए कई शहरों में ट्रैफिक और अन्य आयोजन के लिए अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि एक परीक्षा सेंटर ऐसा भी है जहां परीक्षा देने वाली सिर्फ एक छात्रा है। यह परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। दरअसल रामपुर के हमीद इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया, लेकिन वहां सिर्फ एक छात्रा का ही सेंटर आया है। हालांकि इस परीक्षा केंद्र पर भी अन्य परीक्षा केंद्रों की तरह इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस सुरक्षा, सीसीटीवी, परीक्षक आदि शामिल है। इस परीक्षा केंद्र पर भले ही एक छात्रा हो, लेकिन उस पर नजर रखने के लिए 10 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। वे सभी एक छात्रा पर निगरानी रखते हैं। इस कॉलेज में छात्रों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, लेकिन परीक्षा देने सिर्फ एक ही परीक्षार्थी वहां मौजूद था। हालांकि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने कोई भी असावधानी नहीं बरती है, तभी एक छात्रा के लिए 10 लोग वहां ड्यूटी पर है। इस परीक्षा केंद्र के लिए पुलिस की भी तैनाती की गई है। इस बार परीक्षार्थियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी, साथ ही परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। इसलिए इस परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा के लिए भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए कुल 58,06,922 छात्रों ने नामांकन किया है। कुल 8,354 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। 31,95,603 छात्र कक्षा 10वीं की और जबकि 26,11,319 छात्र कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।